सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। दोस्तों, कुछ दिन तो गवर्नमेंट बिल्कुल शांत रहती है, चारधाम यात्रा से रिलेटेड कोई भी अपडेट डिक्लेयर नहीं करती है, बट फिर एकदम से दो तीन अपडेट एक साथ डिक्लेयर कर देती है। कल गवर्नमेंट ने दो अपडेट डिक्लेयर किए थे, जिसमें से एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अब चारधाम यात्रा, दो धाम यात्रा या फिर एक धाम यात्रा के लिए मिनिमम कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे गवर्नमेंट की साइड से। अगर आपने वो अपडेट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आप वॉच कर सकते हो। और दोस्तों, आज की वीडियो में लेटेस्ट अपडेट ये है कि जिन व्हीकल्स में, जिन वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगा होगा, वो व्हीकल्स यात्रा पर नहीं जा पाएंगी। अब ये अपडेट गवर्नमेंट ने क्यों डिक्लेयर किया है, रीजन क्या है और इसके बेनिफिट क्या है और कहां पर आपके ये ट्रैकिंग डिवाइस चेक किए जाएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आज की इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि इस चैनल पर आपको चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड सबसे पहले डेली कोई ना कोई अपडेट, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस मिलती रहती है। तो अगर आप भी डेली एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी फैमिली से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने किया हुआ है बहुत बहुत थैंक यू यार आपका, और टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस द बेल आइकन आल्सो। तो चलो फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, ये ट्रैकिंग डिवाइस रिलेटेड अपडेट कोई न्यू अपडेट नहीं है, प्रीवियस ईयर भी गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर किया था। बट दोस्तों, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी ट्रैकिंग डिवाइसेस की, बट क्योंकि इस साल काफी सारे गवर्नमेंट ने न्यू अपडेट डिक्लेयर कर दिए हैं तो ऑब्वियसली उनको फॉलो भी किया जाएगा। इसी तरह से चारधाम यात्रा पर आने वाली व्हीकल्स में भी ट्रैकिंग डिवाइस को स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा। जो व्हीकल्स ट्रैवल एजेंसीज के होते हैं तो मोस्टली उनमें तो ट्रैकिंग डिवाइस लगा ही होता है, बट जिन ट्रैवल एजेंसीज ने अभी तक ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाया है तो उनके पास अभी काफी टाइम है, वो लगवा सकते हैं। तो ये बात थी कमर्शियल व्हीकल्स की। अब जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो अपनी पर्सनल व्हीकल से यात्रा करने वाले हैं, उनके व्हीकल्स में भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और जो टू व्हीलर से यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। फोर व्हीलर या उससे बड़े व्हीकल्स जो होते हैं उनमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा होना कंपलसरी है। दोस्तों, जिनके पास ओल्ड व्हीकल है उनको तो ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना होगा, अगर पहले से लगवाया हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर आप उसी व्हीकल से चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तभी आप ट्रैकिंग डिवाइस को लगवाइएगा, अदरवाइज फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। और आजकल जो फोर व्हीलर आ रही हैं उनमें तो पहले से ही लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा आता है तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी को लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस क्या होता है ये नहीं पता तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके व्हीकल में लगा होता है और डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। एक जीपीएस यूनिट होती है जो आपकी व्हीकल की लोकेशन को ट्रेस करती है, नेविगेशन में हेल्प करती है और आपको गूगल मैप पर रोड्स का सैटेलाइट व्यू देती है। अब चारधाम यात्रा में इसका कैसे यूज किया जाएगा? सबसे पहले अगर कोई व्हीकल मिसगाइड या फिर डिसलोकेट हो गया है तो अगर वो किसी ऐसी लोकेशन पर है जहां नेटवर्किंग नहीं है तब भी वो जीपीएस और ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से मेन रूट को फॉलो कर पाएगा। दूसरा ये है कि बाय चांस अगर किसी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है तो उस व्हीकल की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने में हेल्प होगी। देखिए, अपडेट में भी यही लिखा है, बिना ट्रैकिंग डिवाइस यात्रा पर नहीं जा पाएंगे वाहन। इस बार चारधाम यात्रा में जाने वाले सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आप ये पूरी अपडेट भी रीड कर सकते हो, किस तरह ये डिवाइस काम करेगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा इन ट्रैकिंग डिवाइस की कहां कहां चेकिंग की जाएगी वो भी इस पे मेंशन है। 5 चेक पोस्टों पे इस ट्रैकिंग डिवाइस की चेकिंग की जाएगी। फर्स्ट है डामटा, सेकेंड है कुठाल गेट, थर्ड है भद्रकाली, फोर्थ है सोनप्रयाग एंड लास्ट है ब्रह्मपुरी। इन चेक पोस्टों पे चेकिंग की जाएगी। सो दोस्तों, आप इस बार अलर्ट होकर गवर्नमेंट की बनाई गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अपनी चारधाम यात्रा करें। और दोस्तों, मजबूरी है, आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट चार्जेस, पेनल्टीज, एक्शन और पता नहीं क्या क्या लगाएगी। सो दोस्तों, यही था चारधाम यात्रा से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट, मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इसको जरूर से लाइक करना और शेयर करना सभी तक जो इस साल अपनी व्हीकल से चारधाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं। और इन फ्यूचर भी आप ऐसे ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, हमारी फैमिली से जुड़ जाइए।
आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें बहुत मोटिवेट फील कराता है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एफर्ट्स के लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और अदर इंक्वायरी के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। गाइज, हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।